शेरदिल एनु जल्दी नाल एडिट कर दे, खबरनामे दे बाद आने जानी है कवरेज। ठीक है, तेनु मुबारक होवे। मुबारक बात किस गल दी? बॉस ने तेरी एक्टिविटी वेख के तेरी तनख्वाह वधा दी है। थैंक यू। अच्छा जे तेरे को टाइम होवे आशी ते मेरे ते लाडू नाल एक कप चादा पी ले। नहीं शेरदिल, आज ते मेरे को टाइम नहीं, फेर सही आज मैं मिनिस्टर साहब की कोठी उन्हां दा इंटरव्यू लैन जाना है। साथियों, तुहानू सारयां नूं मुबारक होवे, असीं भारी अक्सरियत नाल इलैक्शन जित गए हां। हुण 18 करोड़ आवाम ते असीं हुकूमत करांगे। आओ जी, 18 करोड़ आवाम ते हुकूमत भी तुसीं करोगे ते गुलचर्रे भी तुसीं उड़ाओगे। केड़ी साहब, इस टाड़ी नूं ते लगाम पाओ। नहीं भाई, पार्टी दे मखौले भी होना चाहिए ते नाले जित दी खुशी च पप्पी नूं सतखंड माफ नहीं। शुक्रिया सर। पार्टी एवें नहीं जित गई केड़ी साहब, वोट खरीदने लिए नोटां दे ढेर ला दिते ने। हर ताकत दा मूंह बंद करन लई दौलत पानी दी तरह बहा दिती है। पूरा 2 अरब खर्च होया है सरकार। तुसी फिकर ना करो चौधरी साहब, उस 2 अरब नूं तुसी गरीबां दा खून चूस चूस के बना लोगे 20 अरब, वह फिर तुहाडे अकाउंट जमा हो जाएगा। और वैसे भी तुहाडे अकाउंट मुल्कों बाहर ने ते शक्लों भी तुसी बाहर ले लगदे हो। बकवास बंद करो पप्पी, तो कुछ ज्यादा भौंकन लग पिया है। जाजा के बाहर बैठ। अच्छा जी, ओ माफ करना भाई जी, कोई बंदा के बांदर है। चौधरी साहब, पप्पी की गल का बुरा ना मनाना, एदी हर गल ऐसली बर्दाश्त कर लेने हैं कि साडा पुराना ते वफादार मुलाजम है। मैं जानना वा चौधरी साहब कि तुसी अपना इलेक्शन जिताने लई रात दिन एक कर दिती है, अपनी दौलत बेपनाह खर्च की है। हुण तुहानू वसूली करन लई मेरे वलों खुली छुट्टी है। मैं तुहाडे नाल हाँ, हुण मैनू इजाजत दिओ, टीवी रिपोर्टर दे आंदा वक्त हो गया है, बाकी डिस्कस फिर किस दिन कर लांगे। सर, एक लेडी रिपोर्टर ताडा इंटरव्यू लैन आई। हाँ हाँ, उन्हें इस नाल अंदर भेज दे। जी बेहतर। गुड आफ्टरनून सर। आओ, मोस्ट वेलकम। सर, तुसी इंटरव्यू लिए आज तक टाइम दिता से। हाँ हाँ, आओ आओ मेरे नाल कमरे च। कमरे च? मैं ताड़ा मतलब नहीं समझी सर। ओ, मतलब है वेखे कुछ गल्लां ऑफ दी रिकॉर्ड होंदिया ने, किसे दे सामने नहीं कीतियां जांदियां। आशी, इंटरव्यू कमरे च जाके कर लैने, सानू एदे नाल की। हाँ हाँ, आओ। जवान कुड़ी, ते बंद कमरा, खुली गल्लां होणगियां। नाल इक मुंडा, ओ ते कर देगा मिनिस्टर नूं टुंडा। चुम्मे आशी डैडी, रोलिंग। सर, इलेक्शन जितने तो पहले ताड़े ते करप्शन दे बड़े इल्जाम सन, इस बारे च तुसी की कहना चाहते हो? मेरे ते करप्शन दा इल्जाम अपोजिशन दी चाल सी, ताकि इलेक्शन ना जित सका। मैं ते इलेक्शन आवाम दी ताकत नाल जितया। मेरी जितने अपोजिशन दे मुंह 5 साल ही बंद कर दिते ने, ते हुण 5 साल हुकूमत करना साडा कानूनी ते आईनी हक है। सर, पर इस वक्त मुल्क दी मौजूदा सूरत-ए-हाल खता ना खता खराब हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, कत्लो गारत, डाके ते रिश्वत, अगवा बराए तवान, बिजली ते गैस दी लोड शेडिंग, सनता बंद, कारोबार बंद, हर शै ही इस मुल्क दी बंद है। बीबी, शुक्र है खुदा दा, हाले गरीब अवाम दे साह बंद नहीं हुए। हाले ते इन्हां ने पता नहीं गरीब अवाम दा की कुछ बंद करना है। शट अप।
अच्छा जी तू इतने भी डिस्टर्ब करने वास्ते आ गए हैं गेट आउट मार दे तुसी इस मसखरे की बक बक ते ना जाना ये बड़ा चंगा है ऐसे ले दिया मिठिया ते कौड़ियां गल्लां मैं बर्दाश्त कर लेना वा सर मैनू अपने सवाल का जवाब चाहिए मिस आशी ये सारिया बुराइया सानू पहली हुकूमत वालों तोहफे च मिलिया ने पर असी हुण हर बुराई दे काबू पा के आवाम दियां सारिया जरूरतां पूरियां करांगे सर सुनिया है ताड़ा पुत्र जिमी बड़ी अयाश तबीयत दा मालिक है कुड़ियां नू छेड़ना ते उन्हां दी इज्जत नाल खेड़ना उहदी आदत बन चुकी है साशी मेरे कुछ खास मेहमानों ने आंदा टाइम हो गया बाकी इंटरव्यू फिर किसन कर लेना मेरा ख्याल है आशी हुन असी भी चलने हैं ठीक है वैसे भी मेरे को टाइम नहीं मैं तेनू किन्नी बारी किया नाश्ता मैं आप बनावांगी घर के काम मैनू करने चाहिए ने ओहो लाडो रानी तू कल नू चले जाना अपने घर ओदे बाद सारे काम मैनू ही करने पैने ने मैनू ये काम सीख लैन दे मैनू अपने घरों कढ़न दे ख्वाब वेखने शुरू कर दिते ने वीरा मेरी जिंदगी दे सारे ख्वाब उदों पूरे होणगे जदों तेरे हत्थां ते मेहंदी लगेगी ते तू डोली च बह के अपने सारे गल टुर जाएंगी कन खोल के सुन ले वीरा तेरा है फलसफा मैनू इन्नी छेती इस करो नहीं कर सकता रो क्यों नहीं है तेरा प्यार वेख के बस एवं अखे चथरू आ गए ने अथरू अथरू पूछ ले लाडो तेनू की पता होवे तेरी अखा चथरू वेख के तेरे भरा दा दिल किरची किरची हो जाता है मैं तेरी कपड़े इस्त्री कर दिते ने ते बदल के नाश्ता कर ले हाँ हाँ मैं कर लांगा तू जा जा जिथे पैर उथे खैर आजा आजा जल्दी ना आजा हाथ रोक ले शेर दिल ले ओहो खाओ ते हराम है ये सब आदे खाओ ते हराम ओए अब सेब कटने वाली छुरी होंगी सवेरे सवेरे पहला मुंह लेके किथे आ गए ओए बैड़ा मुंह नहीं एक सवाल लेके आया दो मंच जेड़ा जवाब देगा 100 दा नोट इनाम देंगा दसो केड़ी शै वे खाओ ते हराम है पियो ते सवाब है ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਓ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਲੈ ਦੱਸ ਵੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਪੀਣਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਡੋ ਬੈਂਡ ਦਾ ਚੱਲ ਬਈ ਫਟਾਫਟ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੈਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਹੈ ਹਾਂ ਆ ਲੈ ਮੇਰੀ ਬੈਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਏ ਲਾਡੋ ਤੇਰੀ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲਾਡੋ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਨਾ ਯਾਦ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਜਨਤਾ ਦੀ ਛਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਤਕੜੀ ਨੂੰ ਚੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਦ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਲਾਡੋ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੋ ਮੈਂ 400 ਪਵਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲਾਂਗਾ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈ ਹਾਂ ਵਾਹ ਮੇਰਿਆ ਮਾਲਕਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇਦੋਂ ਵਾ ਭੈਣ ਬਿਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਬਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਜੋ
कुछ मंगो एथो मिलदा मकसद हुलदा पूरा दिलदा ए बाबा पुड़िया वाला ए बाबा पुड़िया वाला ए बाबा पुड़िया वाला ए बाबा पुड़िया वाला जेड़ा जावे इथे आ जेड़ा जावे इथे आ लवे इक वारी खा लवे इक वारी खा ओनु होवे शफा ए बाबा पुड़िया वाला ए बाबा पुड़िया ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਜਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਓਏ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਨਿਉ ਲਿਆ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੀਰ ਜੀ ਆ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਐਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਨਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਛੁਰੀ ਹੀਰ ਸਾਲ ਹੈ ਬਚੜਿਆ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋੜੀ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਏ ਪਲੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਪੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸਬਰ ਕਰ ਬਚੜਿਆ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਫਲ ਪੱਕ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਲਓ ਏ ਖਾਸੁਲ ਖਾਸ ਪੁੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਵੀਂ ਫੇਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇਗੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਉਲੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਜੂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੀਰ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਵਾਂਗਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸੀਬਤ ਖਾਨ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ ਕਿਆ ਹੁਆ ਪੱਪੀ ਹਮਕੋ ਬੋਲੋ ਉਹ ਯਾਰ 3000 ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ 3000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ 3000 ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਪਠਾਨ ਕਾ ਡੰਡਾ ਪਕੜੋ ਪਠਾਨ ਤੁਮਕੋ ਪੈਸਾ ਦੇਗਾ ਦੇਖੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ 3000 ਰੁਪਏ 2000 ਰੁਪਏ ਤੁਮ ਲੈ ਜਾਓ 1000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੇਗੀ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪਕੜੋ ਲੈ ਜਾਓ 1000 ਰੁਪਏ ਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਟਪਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਖਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 2000 ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੁਮ ਐਸਾ ਕਰੋ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਆਓ ਹਮ 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਮਕੋ ਫਿਰ ਦੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਮਨੇ 2000 ਮੇਰਾ ਦੇਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣਾ 2000 ਫੜਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 1000 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ 2000 ਦੋ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆਪਣਾ 1000 ਵਾਪਸ ਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਤਾ ਖਤਮ ਹੋਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਆ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तो 2000 रुपया हो गया हमारे पास तो 3000 रुपया था कि 1000 किधर गया ओ ओ हेलो माय डियर पप्पी आ फिर तो मैं पा लई जफ्फी आ मैं कह जी ये दूध तुसी पीना नहीं ये मेरी सिस्टर जूली के लिए है वो रात को सोते वक्त एक गिलास दूध का पी कर सोती है तुम बताओ तुम क्या पियोगे ओ नहीं ओ मेरा फिलहाल कुछ भी पीने दिल नहीं कर रहा ओ जूली किधर है वो अंदर कपड़े बदल रही है मैं अभी शावर लेकर आती हूँ जाना नहीं हर वक्त जूली का ही पूछते रहते हो कभी फुर्सत में मेरे पास भी आके बैठ जाया करो ना जाना नहीं ओके
ਜੀ ਹੈ ਪੱਪੀ, ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਚ ਦੋ ਦੋ ਮਜ਼ੇ। ਪੱਪੀ ਪੱਪੀ ਪੱਪੀ, ਮੈਂ ਪੱਪੀ ਜੀ। ਪੱਪੀ ਤੂੰ ਆਖੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਸੋਚਤਾ ਹੈ? ਬਸ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਮ ਗੌਰ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਕਾ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਤਾਓ ਕਿ ਤੁਮ ਕਬ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਜੋਕ, ਤੁਹਾਰੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਬਾਤੋਂ ਨੇ ਤੋ ਹਮੇ ਤੁਹਾਰਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ। ये दूध आपका है? हाँ ये हमारे लिए है। तो फिर पियो बिस्मिल्लाह करके। आज हम दूध नहीं पिएगा, ये तुम पियो। आज हमने किसी को मिलने के लिए जाना है। ओ नहीं जूली, वो एक ही कह गई है मेरा दूध तू पी ले। ओ नहीं, ये तेनू ही पीना पैना है। जूली जी, जूली जूली, ओ जा मैं लंगड़ी लूली। ओ यार दूध, जूली डार्लिंग, दो तेरे वास्ते पीना बहुत जरूरी है। ए पी ले, चलो कोई नहीं फिर आके पी लवी, लेकिन ए तू पीना जरूर है। ओए 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 मुसीबत खान, ओए मुसीबत खान, ओए दूध पी के तू की मेरे वास्ते मुसीबत खड़ी करन लगा है। नड़े, तुमने हमको कैसा दूध पिलाया है? कितना खूबसूरत लगती है, हमको तेरा मूंछ भी नजर नहीं आता। चलो हमारा क्वार्टर में चलो, हम तुमको अफगानी करोट के लाएगा, बारह चिनार का सेब के लाएगा, चमन का अंगूर के लाएगा। चलो नड़े, हम तेरे को आए इंडिया का डर्टी पिक्चर भी दिखाएगा। ओए खाना खराब दे बच्चे, मैं नहीं वेंदा नंगिया फिल्मा। कोई बात नहीं, हम टीवी के ऊपर कपड़ा डालेगा, टीवी और हम दोनों किसी को नजर नहीं आएगा। इनकार मत करो मेरा मुसर्रत शहीन, चलो ना मेरे साथ। और क्या ना पिचानी बच्चा बड़ा, ओए मेरी जान छाड़ दे, मस्ती मत कर। हम तुम्हारा शर के मैदान तक पीछा करेगा, हम तुमको नहीं छोड़ेगा। जाने जाना, ओ पापी जाना, ओ इधर आना। पहले चीनी 30 रुपए किलो, फिर 40 रुपए किलो, फिर 50 रुपए किलो, ते हुण 60 रुपए किलो। ए महंगाई पिछों आ रही है, महंगाई ने लोगों का साह लेना मुश्किल कर दिता है। घर विच बिजली ना पानी ना गैस, ते बिजली दे बिल अगे नालों वध आ रहे ने। लोकी अपने बच्चे वेच के गुजारा कर रहे ने। तुसी की कहना चाहते हो? मैं एक मिल च मजदूर हाँ, ते मिल बंद होने नाल मजदूरां दे चुल्ले ठंडे पै गए ने। खूनी इनकलाब आएगा। यार मेरी मां बहुत सख्त बीमार है, जल्दी नाल इहनूं हस्पताल लै चलिए, ऐ ना होवे कि रस्ते च मर जाए। अज गैस दा नाग है भाई, रक्षा किवें चलेगा? नाले मां नूं हस्पताल लिजा के की करना, उत्थे भी इन्हें जाली दवाइयां खा के मारी जाना। जे मेले शिकार लग गया है ते फिर चुक लो इन्हू। झोके ला गए कोई मेरी मदद करो, मेरी बचा लो, कोई मेरी मदद करो, मेरी
मदद करो, मेरी मदद करो। की होया बुजुर्गो? आ पुत्र, आ बदमाश मेरे तीर चके लागे ने, आ मेरे तीर चके लागे ने। बुजुर्गो थाने चल के रपट दर्ज कराओ जल्दी, मेरे को टाइम नहीं। रपट लिखवाने का कोई फायदा नहीं आशी, वो मिनिस्टर दे पुत्र जिमी दे साथी ने, ते उन्हें ते शहर की पुलिस भी हाथ नहीं पाती, वो ते अपने बाप तो भी ज्यादा बगैर थे। पर मैं थाने रपट दर्ज जरूर करावगा। बुजुर्गो आसमान दे ते तुहाडी रपट दर्ज हो सकती है, पर शहर दे किसे थाने दे विच नहीं। जवान कुड़िया ने चुप के ले जाना, ओदे असे फुटबॉल दा खेड़े। तेरे अथरू फरियाद बनके जे कानून दे कन्ना तक पहुंचे ते तेरे खानदान नू मार दिता जाएगा। जल्दी नाल रपट लिखो इंस्पेक्टर साहब, मेरे को टाइम नहीं। और रपट की दर्ज करा, मुदई कुछ मुंह दे बोले। बोल पैना ते दस, मिनिस्टर दे पुत्र जिमी दे ओदे साथियां ने मिलके तेरी आबरू लुटी है। नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती, मैं उन्हें चेहरा नहीं पहचानती, नहीं पहचानती। इंस्पेक्टर साहब सानू कुछ पता नहीं, मिनिस्टर दे बेटे ने सानू कुछ नहीं किया, खुदा दे वास्ते सानू जान दियो, सानू जान दियो, सानू जान दियो। इन्हें थ्रेट किया गया इंस्पेक्टर, तू जल्दी नाल परचा कट। कमाले मुदई सुस्त गवाह चुस्त, ऐस मजलूम दी जुबान ते मिनिस्टर दे खौफ ने ताले ला दिते ने। अजय कुड़ी नहीं बोलेगी, मैं बोलांगी, दफा मैं दसांगी, परचा तुसी कटोगे ते इंसाफ अदालत करेगी। हौली बोल कुड़िए, ये थाना है टीवी स्टेशन नहीं। हट जिन्ना डूंगा होवे, चीख ओनी उच्ची हुंदी है इंस्पेक्टर। सट ओनू वजीए ते चीका तू मारन रही है। ओ ऐसले इंस्पेक्टर साहब के मैं एक औरत हां ते औरत दे दुख नु सिर्फ एक औरत ही समझ सकदी है। ते तुसी चंगी तरह जानदे हो इंस्पेक्टर साहब, एना भयानक जुर्मा दा कोई गवाह नहीं हुंदा, ते खुदा दे वास्ते तुसी भी अपने सुते हुए जमीन नु जगाओ इंस्पेक्टर साहब, जगाओ इंस्पेक्टर साहब, जगाओ इंस्पेक्टर साहब, जगाओ। बाबा कौम, अल्लाह दा शुक्र अदा करो कि तुसी कजा इलाही नाल इस दुनिया तो रुखसत हो गए, नहीं ते आज दे सियासतदाना नु तुसी इस मुल्क नु दोवां हत्थां नाल लुटदियां वेख लैंदे ना, तुसी जहर खा के मर जाना सी। ओए मिनिस्टर दे लोटे, ओए बाबा जी दा खेला छड़ दे ते इत्थे आके रोटी खा लै। आ ए नहीं बात आ सकदा कभी। सोणिया ना मैं लोटा ते ना मैं खोटा, मैं सच्चा ते खरा बंदा, सच्चियां ते खरियां गल्लां करना। ऐसी महंगी दाल को, गरीबों के बुरे हाल को, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ओए हबीब जालब दिए पेंसिले, आराम ना लोटी खा, हबीब जालब ना बन। हलवाई बन के पुड़ियां कढ़ी जा रहे हैं, चुप करके रोटी खा। हुणे विच मेरा मुंह आन लगा सी। मैं पानी लेके आ रही हूँ।
ਵੇਖ। लगता है वीरा ए शहद की मक्खी तोड़ा पीछा नहीं छड़ेगी। क्यों ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा समझ नहीं आती ए शहद की मक्खी साढ़े कार दे मगर क्यों पै गई है? इस कार विच छाता लाना चाहती है ते बच्चे भी देना चाहती है। ठीक है दे दे बच्चे और सादा की लंदी है। अच्छा लग रहा नहीं मैं चल रहा हूँ मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है मैं जाके अपनी हाजिरी लवाऊं। छेती जा वीरा किधरे ऐ ना होवे कि तेरी गैर हाजिरी लग जावे। तू बड़ी चलाक हो गई है। ओए ते सुल्ताना दे रजिस्टर ते हाजिरी लाऊं गया है। मैं उदे हाथ दे दियांगी इस कार दी चाबी।
शहद की मक्खी क्यों किया सी? इसलिए कि शहद मिठा होंदा है, लोग मिठा मिठा शहद खाते ने ते मजा लेंदे ने, ते तू अपनी मिठिया मिठिया गल्लां नाल मैनू फसा लिया। हुण ते बस मैं इस इंतजार च कि लाडो की डोली तेरे करो जाए ते मेरे। मां जी मां जी मैं बचा लो मां जी, वो पठान ठंडा लै के ते मेरे मगर लगा होया जी। तू ओदा कुछ देना होएगा, ओ जो मंगदा है दे दे उनू। मां जी मैं तुहानू दस नहीं सकदा वो मेरे कोलो की मंगदा है। ओ पापी क्या देख पापी, ओ पापी आएगा जी। ओ देखो पापी यार हमको तंग नहीं करो, हमारा साथ चलो, चलो हमारा साथ। चोरी जेल भिजवा देंगी। जेल चलो इस अकेले। इंस्पेक्टर साहब वो मैंने बचा लो, मैंने उस पठान को बचा लो। इंस्पेक्टर साहब वो मुसीबत खान मेरे वास्ते मुसीबत बन गया जी। तेरा उस पठान नाल कोई लैन देन का झगड़ा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब लैन दा नहीं, सिर्फ देन देन दा झगड़ा है जी। ओए चलिया ते दे विचों फिर जान छुड़ा। ओ नहीं इंस्पेक्टर साहब जो मंगता है ना जी वो मैं उन्हें नहीं दे सकता, इंस्पेक्टर साहब नहीं दे सकता। रब दी सौं इंस्पेक्टर साहब मैं उहदा कुछ भी नहीं देना। जे तू ओदा कुछ नहीं देना ते तेरे कोल कोई ऐनी गवाह है? वो जड़ा जुर्म करना चाहता है ना जी उस जुर्म का कोई ऐनी गवाह नहीं जी हुंदा। हाँ मेरी गवाही दे सकते ने मुनकर नकीर फरिश्ते, पर अज दी शैताना दी दुनिया दे विचों मैं फरिश्ते कित्थों लभ के लियावां जी। जे तेरा इस केस च गवाही कोई नहीं फिर मैं तेरा परचा नहीं कर सकता, जा अपना काम कर जा। अच्छा जी चल भाई पप्पी, इस तो पहले कि पठान तेरी लै लवे पप्पी उस उलू वाली सरकार दे पैरी पै जा, अल्लाह करे पठान तेरे पीछे पै जावे। असियां उलूआं वाली सरकार जिन्हू पूड़ी देइए ओदा बेड़ा हो जाए पार, कभी आर कभी पार मेरी पूड़ी दा कमाल। पीर जी पीर जी पीर जी वो तुहाड़ी दित्ती हुई पूड़ी मैं दुध च मिला दित्ती सी जी, बजाय इस दे कि वो मेरी मशहूर पींदी वो एक पठान पी गया जी। इस तो पहले कि वो मेरी इज्जत का डिकार मार जावे मैनू किसे तरीके बचा लाओ जी। ए नवी पूड़ी लै जा बचड़िया, तेनू जाके दूध च कोल के उस पठान नू पिला दई ते ओ तेरे कोलो नफरत करेगा बल्कि तेनू दफा दूर करेगा। पीर जी ऐ पूड़ी मैं उन्हूं प्यावां किस तरह, जे उन्हें मैनू फड़ लिया ते मेरी इज्जत तुहाडा प्यो बचाएगा। जदों तक ए पूड़ी तेरे कोले तेनू कोई खतरा नहीं। अच्छा जी बच्ची हम गेट पे खड़ा हो कि तुम्हारा इंतजार करती है और तुम दीवार पे लांग के अंदर आती है। ओ खान साहब मैं तो आपके लिए दूध ठंडा करके बैठा हूँ, पियो और जान बनाओ। अब समझती है तुम हमारा जान क्यों बनाना चाहती है, क्योंकि तुम हमारा ताकत को चेक करेगी। ताकत को ताकत को ताकत। मुसीबत खान जी नू खान यू रेडी, तू मेरी इजाजत के बगैर अंदर कैसे आ गया? तुम्हारा काम गेट पर ड्यूटी करना है। तो इधर भी हम ड्यूटी करने के वास्ते आए। शट अप। और ये चोरी चोरी हमारा दूध पीने की तुम्हारी जुरत कैसे हुई? ओ जूली ये तेरा दूध नहीं मज दा दूध दे पीन मरन दे। तुम चुप रहो। बीबी जी वो ठीक बोलता है, तुम्हारा दूध नहीं है मज दा दूध दे। शट अप। इधर आओ पापी, अब गेट पे खड़ा हो कि तुम्हारा इंतजार करती है, तो उधर आना मेरी जान जाना फिर आके मुझसे पैसा कमाना। तुम जाते हो कि नहीं यहाँ से? जाता है जाता है। ओ
चौकीदार से मिले हुए हो। आज के बाद तुम मुझे नजर आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। आई से गेट आउट। अच्छा जी चला जाना। कुरैशी साहब मैं दाढ़ी दुखास पड़ी है तो उसके बारे च डीआईजी रिमार्क्स भी पड़े ने। डीआईजी साहब ने ताडे भरा नूं पुलिस भर्ती करने इनकार कर दिता है। तुहानूं इनकार कर दिता है? तुसीं मिनिस्टर हो जनाब, तुहाडा फैसला ते आखरी फैसला हुंदा है। डीआईजी दी की मजाल है कि उह तुहानूं इनकार करे? कुरैशी साहब मिनिस्टर दी कुर्सी ते बैठ के भी सानूं सोच समझ के फैसला करना पैंदा है। अठवीं तरमीम ने सब दे हथ बन्न दित्ते ने, ब्यूरोक्रेसी मूंह जोर हो गई है। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ? ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਣੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਣਾ ਬਿਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੇਕ ਕੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ ਅਈ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਜ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਓਏ ਅੰਨੀ ਦਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਰਹਾ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਪੀ ਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਸੈਟਰਡੇ ਨਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰੀ, ਚਰਗੇ ਤਲੀ ਹੋਈ ਮੱਛਰੀ ਅਤੇ ਬਟੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਅਤੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਮੀ ਆਪ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਔਰ ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, 2 ਕਰੇਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆਮ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸਕੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰਾਮ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਲਾਓ, ਜਾਮ ਨਾਲ ਜਾਮ ਟਕਰਾਓ, ਨੱਚੋ ਤੇ ਨਚਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਅੰਨੀ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਆ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਮੀ ਡਾਰਲਿੰਗ, ਉਸੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਜਿੰਮੀ ਡਾਰਲਿੰਗ ਇਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਐਸੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਬਗੈਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚੇਗੀ। ਕਾਲੂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਲਿਬਾਸ ਕਰ ਦੇ। ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਬੰਦ ਕਰੋ ਓਏ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਡਰਾਮਾ। ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ? ਪੂਰਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਿੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਿਰਫ 1 ਕਰੋੜ? ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪਲਾਟ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ? ਫ੍ਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਕਮਰਸ਼ਲ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਓਏ ਦੌਲਤ ਮੰਦਾ,
खुदा दा घर खरीदन लगा है, कुछ ते खुदा दा खौफ खा। पहले तुसी हजारां गरीबां ते मस्कीनां दे घर ढा के अपने प्लाजे बनाए, तुहाडी मिली भगत नाल इस मुल्क दे विच गैस बिजली ते पेट्रोल महंगा होया, गरीबां दियां दालां तक महंगियां कर दित्तियां ने तुसी। गरीबां दियां हावां अथरू ते बच्चे तक वेच दिते ने तुसी, ते हुण खुदा दा घर वेचण लगे हो। ओ दिन दूर नहीं मिनिस्टर साहब जिस दिन तुसी इस मुल्क नूं वेच दोगे। साडा कुत्ता होके सानू भौंकण लग पिया है टाइगर चीते। इस नमक हराम नूं धक्के मार मार के हमेशा लई घरों बाहर कढ दिओ। लुटी जाते खाई जा, जो कुछ मिले उड़ाई जा। लुटी जाते खाई जा, जो कुछ मिले उड़ाई जा। चूस के खून गरीबां दा, चूस के खून गरीबां दा, अपना माल बता लुटी जाते खाई जा, जो कुछ मिले उड़ाई जा। पैसे ते ना बिजली पानी है, जगह करप्शन कल की होना की खावांगे, हर बंदे नू टेंशन हर बंदे नू टेंशन महंगियां दालां कर तू पावे, महंगियां दालां कर तू पावे। चीनी दा रेट बधाई जा, लुटी जाते खाई जा, जो कुछ मिले उड़ाई जा। वंडे मजबूरां दा ठाके खावे गरीबां दे, ठाके खावे गरीबां दे, पला दे नवे बनाई जा। लुटी जाते खाई जा, जो कुछ मिले उड़ाई जा। लुटी जाते खाई जा, जो कुछ मिले उड़ाई जा। मिसेज ते कोई जागे, कोई फुटपाथ ते सौंदा रे, होवे कचहरी या कोई थाना, रिश्वत नाल कम हुंदा ए, रिश्वत नाल कम हुंदा ए। सत समुंदर पार तू जाके, सत समुंदर पार तू जाके, अपने नोट लखाई जा। लुटी जाते जा, जो कुछ मिले उड़ाई जा। लुट
ਦੀ ਜਾ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਉੜਾਈ ਜਾ। ਲਾਡੋ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਚੰਦ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਚੰਦ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੋਟੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦੇ ਜਿਮੀ। ਲੁੱਚੇ ਲਫੰਗੇ ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਬਾਹ। ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਰਾਤ ਬਣਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਗੰਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਰਕਾਰ। ਤੂੰ ਮਿਸਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਜੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੱਥ ਘੜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਗਾਲੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਇੱਕੋ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾ? ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਰੋਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਗਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੋਲਾ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬੇਟੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਓਏ ਜਿੰਮੀ, ਤੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲੱਪੜੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਖੂਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਡੈਡੀ। ਮਰਨ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲੈ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਧਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ? ਇਧਰਾ ਬੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਜੁਮੇਰਾਤ ਹੈ। ਓਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜੁਮੇਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ
इमाम जामिन जरूर बन दिए। पापा सचिया पैन दे सिर ते हमेशा प्राधा साया सलामत रखी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। पुत्र बैठ। सुल्ताना सर लाडो रानी मिल लाया? नहीं नहीं एदी कोई जरूरत नहीं, असी आप तियां पैना लिया। शरीफा ना रिश्ता जोड़न ले खून ते खानदान दी तसल्ली कीती जांदी है, सूरतां नहीं देखियां जांदी। वाह तेरी इस गल ने इस गरीब का दिल जीत लिया। पुत्र सिर्फ सानू तू ए दस कि असी बरात कदों लैके आईए? जदों तुसी चाहो जी लै आओ बरात जी। ठीक है पुत्र, मां हुण ते रिश्ता पक्का हो गया, असी अज तो अपने घर ढोलकी बजाने शुरू कर देने। आहो धीए छेर दिन तेनू भैन का रिश्ता मुबारक होवे। सुल्ताना मुबारक बाद च देवी, पहले मेहमाना दा मुंह ते मिठा करा। हां जी अब अमन दे दे मन दे दे। कले कले मिठाई खा रहे हो? ओ क्यों अपने आप नु शुगर कराउनी जे? जे खा ही रहे हो तो फिर मैनू भी खुआओ, मैं भी कुड़ी दा भरा वा। नहीं ते मैं सारे बहाने पार देंगा। हुण चंगे रहे हो? अंकल जब तुसी बारात लेके आओगे ते मैं सारिया खुशियां अपने कैमरे च बंद करके अपने चैनल से चलावांगी, ते इस प्रोग्राम दा नाम होएगा हम और हमारा कल्चर। सारे घर नु इस तरह डेकोरेट करना है कि सारी दुनिया कवे कि भरावां ने अपनी भैन नु कितनी शान नाल टोरिया है। Yeah.
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ੇਰਦਿਲ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਫੀਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੁਰਖ ਜੋੜੇ 'ਚ ਰੁਖਸਤ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਡੋ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਭਰਾ ਦੀ ਗੈਰਤ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਬਣ ਕੇ ਸਸੁਰਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਲਾਡੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰਤ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰਤ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਉਹਦੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਸ ਬਣ ਕੇ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਜਿਸ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵਾਹ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਣੀ। ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਣੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ ਜਿਸ ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੰਨਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਲਾਡੋ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਡੋ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਤੂੰ ਮਨਾਏਗਾ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ, ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੰਤਕਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਚੰਨ ਵਰਗੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚਾਨਣ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਜਾਜ਼ੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਰਾਤ ਦੀ ਸਿਆਹੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਰ ਕੇ ਹਯਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਕਫਨ ਦੀ ਸਫੈਦੀ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੇਰਾ ਨੰਗਾ ਜਿਸਮ ਰਾਤ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇੰਤਕਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੇਖੇਗਾ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਟੋਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਐਸੇ ਹੀ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਕਾਮ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਧਾਰ ਧਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਖਬਰਦਾਰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਾਪਾਕ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰਾਤ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲ ਦੇਗਾ।
ਦਾ ਖੈਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ? ਯਾਰ ਲਾਲੋ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜੇ ਖੈਰ ਏ, ਦੁਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਬਹਾਨੇ ਖੈਰੀਅਤ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਖੈਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮ ਕਿਸ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਖਾਵੇਂਗੀ ਲਾਡੋ? ਕਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸੁਣਾਏਗੀ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ? ਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕੇਗੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਉਹ ਤਫਸੀਲ ਲਿਖ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਚੱਲੀ ਲਾਡੋ? ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਦਾ ਸਮੀਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਗੈਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾਡੋ, ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਗੈਰ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਲਾਮ ਮਾਸੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਆ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਬੈਠ ਨਾ, ਆ ਬੈਠ। ਮਾਸੀ ਲਾਡੋ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਲਾਡੋ? ਲਾਡੋ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵਲੀਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾਂ। ਸਲਾਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਵੀਰਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ, ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡੋ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਐਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।
शेर दिल भैणा की शादी तो बाद भरावां नूं इंज ही खुश होना चाहिए। एक मिनट एक मिनट मैं फोन सुनना। हेलो शेर दिल, लाडो पैन किचन च खाना पका रही सी, ओदे कपड़ियां नूं अग लग गई ते ओह सड़ के मर गई है। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, तैनू अपने सारे नबियां दा वास्ता ही सिर्फ इना दसते, इना दसते कि मेरी भैन किवें मरी है, किवें मरी है मेरी भैन। तैनू अपने प्यारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके च ऐ दसते मेरी भैन किस तरह मरी है। कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू फिकर ना कर टोनी, मैं सारा बंदोबस्त कर लिया। जज की कलम तो लैके मैं सारे गवाह खरीद लेने। मैं इहो जी FIR कटी है, ना कोई सबूत ते ना कोई गवाह। टोनी पहली पेशी ते बरी हो जाएगा। तो वाकयात मुकदमा, फाजिल वकील की बहस और गवाहों के बयान के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम टोनी बेगुनाह है। लिहाजा अदालत टोनी और उसकी फैमिली को बाइज्जत बरी करती है।
हेलो फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड हेलो। मरना नहीं चाहता, मैं तेनू जिंदा नहीं देख सकता। सुल्ताना। थैंक यू सर। वेख सुल्ताना, तेरा अज ही इस शहर तबादला होया तो मैं अज ही एक बड़ा वड्डा ते सीरियस केस तेरे सपुर्द कर रहा हूं। ए मेरी गुड लक है सर, पुलिस अफसर दी सलाह दा उदो पता लगता है जदों नामुमकिन ते वड्डे केस नु सॉल्व करे। वेरी गुड। एक खौफनाक मुजरम दी फाइल है, इस मफरूर ते कातल ने एट ए टाइम पांच कतल किए ने। मुजरिम बहुत जल्द कानून दी सलाह के पीछे होगा सर। वेरी गुड। पहला कि तू कानून बन के शेर दिल नू हथकड़ियां लाए, सब तो पहला यह पता कर कि वो कानून का मुजरम क्यों बने। एक ही सुना दिता ही पप्पे। शेर दिल ते जड़ी कियामत गुजरी है मैं तेनू दस दिती। भैन की मौत ने शेर दिल नू मुजरम बना दिता है ते तू कानून बन के ते शेर दिल की तलाश च निकली है। मैं कभी सोचिया भी नहीं सी किस्मत शेर दिल वास्ते कानून की जंजीर मेरे हाथ च दे देगी। मैं शेर दिल नू जेल दी असलाहा विच क्या वेख सकनी हां। शेर दिल इस वेले कित्थे होवेगा?
जुलम दे पिछे इंतकाम बन के फिर रहा होगा या फिर अपनी भैन लाडो की कबर दे सराने मातम बन के खलोता होगा। गम बन के तेरे तक पहुंची हाँ शेर दिल। तू आने च बहुत देर कर दिती है सुल्ताना। हाली भी कुछ नहीं बिगड़िया शेर दिल, मैं तेनू कानून को इंसाफ दवा के साल आवांगी। किस कानून की गल कर रही है तू? उस कानून की जिन्हें मेरी भैन नू सार के मार दिता? उस कानून की गल कर रही है जिदी आड़ पिछे मिनिस्टर दे मूंह जोर पुत्र तिया भैन की इज्जत नाल खेलदे ने? उस कानून की गल कर रही है जिन्हें सानू चूंदे जी मार सुटे। सुल्ताना दा मंगेतर बन के सोच, कानून दा बागी बन के ना सोच। कानून ने मेरे जिस्म ते इन्ने जख्म ला दिते सन कि मेरे हर जख्म च बगावत दी बू आन लग पई सी। मैं कानून दा बाग ना बनदा तो फिर की बनदा? जिस रस्ते ते तू टुर पिया शेर दिल, ओ रस्ता फांसी दे तख्ते ते जाके खत्म होंदा है। मैं अपने हर दुश्मन नू फांसी ते लटकान तो बाद फिर आप फांसी दे तख्ते ते पहुंचांगा। ऐस तो पहला तेरे जुर्मा दी लिस्ट च होर इजाफा हो जाए मैं तेनू गिरफ्तार कर लूंगा। चला गोली। मैं जानना वो तू गोली नहीं चलाएंगे। रुक जा शेरदिल, रुक जा। मैं थोड़ा मूड हूने सेट कर देनी है। Thank you.
जा के असी कवरेज करनी है। उथे मासूम ते मजलूम लड़कियां नू फरोख्त किया जाता है, जवान कुड़िया दे जिस्मां दी बोली लाई जाती है। ते मेरी इनफॉर्मेशन के मुताबिक यह अड्डा भी मिनिस्टर खालिद दुरानी की पुश्त पनाई नाल चल रहा है। यह कवरेज जिस दिन साढ़े चैनल पर चली उस दिन मिनिस्टर खालिद दुरानी के नाल नाल होर भी बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। लेकिन यह सारी असी कवरेज किस तरह करेंगे आशी? मैं उत्थे रिपोर्टर बन के नहीं जावांगी, ते तू भी लुक छुप के सारी रिकॉर्डिंग करेगा। मुहिम बहुत खतरनाक लगती है आशी। जेड़ा चैनल खतरिया नाल खेडे उस चैनल की जय जय हुंदी है। दोस्तों ते जिस्मां दे सौदागरों, इस खूबसूरत ते रंगीन रात तुहाडे सामने खूबसूरत मॉडल पेश किए जाएंगे। तुसी अपनी अपनी बोली बोलते जाना, ते जेड़ा सब तू वड्डी बोली बोलेगा ओदी चोलीए खरीदी हुआ जिस्म पा दिता जाएगा। तकरार भी जिथे दुकान जिसम दिया ने ऐसा एक बाजार भी है, ऐसा एक बाजार भी है जिस औरत ने तैनू जमया। जिस औरत ने तैनू जमया ओनू तू नचाई जा, लुटी जाते खाई जा, जो कुछ मिले उड़ाई जा। ओके ठीक है ठीक है, तू अपनी जवानों को तैयार रख, मेरी मिस कॉल से दसे हुए पते से पहुंच जाना। अज सियासत की सरपरस्ती मासूम ते जवान जिस्मां नू वेचन वाले चेहरे बेनकाब कर देंगे। ते हुण जिहड़ा हीरा तुहाडे सामने पेश कर रहा हां ओदा अंग अंग नचेगा, सुरीली आवाज तुहाडे कन्ने गूंजेगी, ओदी कीमत बादश तय होएगी। Oh,
ਰੂਥਲੈਸ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਟੇਗਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਇਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਾਂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਣ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਟੇਗਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਇਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਾਂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾ ਵਾਂ ਬੇਗੈਰਤਾ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖੌਫ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਖੌਫ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਦਾ ਖੌਫ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਚ
पुलिस का पैरा ला दिता है। डॉक्टर साहब आज तेरे चेहरे की सर्जरी करन दी, मैं सब इंतजाम कर देता है। मैं कल फिर आवांगा, ठीक है? आज तुम्हारी दाएं साइड की सर्जरी होगी। असलम, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ले चलो, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूं। तू मैनू किथे ले आए? जिथे तेरी मौत लिखी है। शेरदिल, शेरदिल मैनू मैनू माफ कर दे, मैनू सबना बात नहीं, शेरदिल मैनू माफ कर दे। हाय, मैनू माफ कर दे शेरदिल। मैं अपने दिल का टुकड़ा तेरे हवाले किया सी, तू उन्हें सारा लगया रहम नहीं सी किया, ते मैं तेरे ते रहम क्यों करा? शेरदिल मैनू माफ कर दे, शेरदिल मेरे ते रहम कर। शेरदिल ओए, हुन रहम नहीं, मौत मांगो ए, मांगो ए, मौत मांगो ए, मौत। जंगल में खौफ शेर का और शहर में खौफ शेरदिल का। उसी शेरदिल का इंटरव्यू चंद सेकंड बाद देखिए। कानून की नजरों में मैं मुजरिम हूं, लेकिन कोई भी मुजरिम मां के पेट से पैदा नहीं होता है। माशरे के जालिम लोग उसे मुजरिम बनने पर मजबूर कर देते हैं। माशरे के ऐसे ही जालिम लोगों ने मेरी बहन को मार डाला, लेकिन अब मैं हर बहन का भाई बनकर सबको मार डालूंगा। आज मेरी बात को सब गद्दार गौर से सुन लें। अगर आज के बाद किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी बहन या बेटी की तरफ बुरी नजर से देखा गया, उस बुरी नजर से देखने वाले को कॉलेज के गेट पे मार दूंगा। सड़क पर चलती हुई अगर किसी बहन पर किसी ने हाथ उठाया तो उसे नजर आतिश कर दिया जाएगा। अगर किसी शौहर ने अपनी बेगुना बीवी को मारा तो मैं उसको घर में घुस के उसे नजर आतिश कर दूंगा। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा शेरदिल? जब तक घर घर शेरदिल पैदा नहीं हो जाता, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक हर बहन के दिल से ये खौफ खत्म ना हो जाए, मैं उनकी हिफाजत करता रहूंगा, जालिमों को मौत के घाट उतारता रहूंगा। अफसोस, अफसोस, जो काम मैं कर रहा हूं ये काम कानून को करना चाहिए, लेकिन कानून ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कानून अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है। अंग्रेज के बनाए हुए इस कानून के खिलाफ मेरी जंग जारी रहेगी, और जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये अंधा कानून आंखें खोलकर देख नहीं लेता। शेरदिल, कुछ और कहना चाहते हो? नहीं, और कुछ नहीं, इसलिए कि जो मैंने कहना था मैं कह चुका। ए इंटरव्यू जिस टीवी रिपोर्टर ने लिया है, उन्हें चुक के मेरे कॉल ले आओ, ते शेर दिल दा पता ओदी जबान दसेगी। बड़े अफसोस दी गल है,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੁਜਾਹਿਦ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਬਦਮਾਸ਼ੋ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਵੋ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਏ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇਹ ਵੀ ਰੰਗੀਨ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਹਸੀਨ ਦੁਸ਼ੀਜ਼ਾ, ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਬਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਯਾ ਤੇਰਾ ਹੁਲੀਆ ਬਗਾੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਵੋ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜੇ। ਓਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਜਿਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦੇਗਾ। ਚੁੱਕ ਲੋ ਇਹਨੂੰ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼, ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸ਼ੀ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ DSP ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ DSP ਬਣ ਕੇ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹਰਾਮੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚਾ ਲੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਬਰ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਹੈਲੋ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖਾਲਿਦ ਦੁਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਸਰ, DSP ਸੁਲਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੈਲੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
तू उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें, समझी है?
की होया तेनू? कातिल है, मैं तेनू एहो जिही मौत मारांगा कि हर भैन तेरी मौत का जिक्र करेगी।
ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਚਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿੰਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਸਤਲ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ। ਐਸਪੀ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਬੇਈਮਾਨੀ, ਗੱਦਾਰੀ, ਬੇਵਫਾਈ ਤੇ ਝੂਠ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਯੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਖਾਮੋਸ਼, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ। ਇੱਜ਼ਤਮੰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਰਾਮ ਦਾ ਨਮਕ ਚੱਖ ਲਵੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੋ। ਕਾਲੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇ। मिनिस्टर खालिद दुरानी ने पुलिस को धक्के मारे, डीएसपी साहबा के मुंह पर थप्पड़ मार के पुलिस की बेइज्जती की। मिनिस्टर का यह रवैया देखकर हमारे सर शर्म से झुक गए। सर, आप तमाम ऑफिसर्स अपना अपना मशवरा दें कि हमें मिनिस्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। सर, मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि कोई भी ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट का मुअत्तल होता है तो मिनिस्टर की सिफारिश ही काम आती है। सर, जब कोई हमारा जवान किसी पुलिस मुकाबले में शहीद हो जाए तो मिनिस्टर साहब उसके बीवी और बच्चों को भारी रकम दे देते हैं। उन पैसों से बेवा अपनी जिंदगी आराम से गुजार लेती है। सर, अगर हमने खालिद दुरानी साहब को गिरफ्तार कर लिया तो टीवी, अखबारात और चैनल के थ्रू डीएसपी साहबा के मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ की गूंज मुल्क के कोने कोने तक पहुंच जाएगी और इस तरह हमारे महकमे की इज्जत खाक में मिल जाएगी। सर, तो अभी हमारे महकमे की इज्जत कौन सी आसमान पर है? सर, आवाम के दिलों में पुलिस के लिए कोई इज्जत नहीं है। सर, और उसकी वजह हमारे चंद रिश्वतखोर अफिसर्स हैं। सर, अगर कोई आदमी थाने जाकर यह कह दे कि मेरी जेब कट गई है तो थानेदार उससे पूछता है, तुम्हारी जेब कहां कटी, क्या वक्त था, कितने पैसे थे, ये पैसे आए कहां से? वो आदमी पुलिस से डरकर रिपोर्ट लिखवाए बगैर ही चला जाता है और उसके जाने के बाद इलाके के जेब कतरों को बुलाया जाता है, गिरफ्तार करने के लिए नहीं, अपना हिस्सा मांगने के लिए। अगर कोई गरीब रिक्शे वाला रेड लाइट से थोड़ा आगे निकल जाए तो उसे ऐसे पकड़ते हैं जैसे कोई गैर मुल्की जासूस बॉर्डर क्रॉस करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया हो। रिक्शा थाने पहुंचा के गरीब को हलाल की रोजी से महरूम कर दिया जाता है। हम हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह लेने पहुंच जाते हैं, वो पैसा कहां से आता है? हुकूमत से, असेंबली से, खजाने से? नहीं नहीं सर, वो पैसा आवाम के खून पसीने की कमाई का है जिसके साथ हम तमीज से बात भी नहीं करते। आवाम हमसे बहुत दूर जा चुकी है। सर, हमें शरीफ शहरियों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करनी है। आवाम के मुंह से पुलिस जिंदाबाद के नारे सुनने, तब जाकर हमारी ताकत बढ़ेगी।
हमें इन रिश्वतखोर मुलाजमों को निकालना होगा जिनकी वजह से हमारा महकमा बदनाम हो रहा है। सर, अगर जुर्म दिन ब दिन बढ़ रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। कल का जेबे काटने वाला आज लोगों के गले काट रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। कोई कातिल कत्ल करके इलाका गैर पहुंचाता है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। कल का पतंगे लूटने वाला आज बैंक लूट रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। कल तक जो चर्स शराब हीरोइन बेचते थे आज दहशत गर्दों को असलाह बेच रहे हैं तो इसके जिम्मेदार हम हैं। हमें कुछ करना होगा सर। मुजरिमों को इस वर्दी की ताकत बतानी होगी, चाहे वो पॉकेट मार हो या कोई मिनिस्टर। अगर हमने ये सब कुछ कर दिखाया तो फिर कोई भी मिनिस्टर किसी डीएसपी के चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। मिस सुल्ताना, तुम्हारे ख्यालात तारीफ के काबिल हैं, लेकिन सबसे पहले हमें उस मफरूर कातिल शेर दिल को गिरफ्तार करना होगा। उसके बाद मिनिस्टर की गिरफ्तारी के ऑर्डर मैं तुम्हें खुद दूंगा। थैंक यू सर। ताकत मेरे कोल, दौलत मेरे कोल, हथियार मेरे कोल, पर फिर भी मैं अपने इंतकाम दी आखिर सर रहा हूं। तुहाडा इंतकाम लैण लई सागा नू बुलाया मिनिस्टर साहब। ए सागा कौन है? जुर्म दिया किताबें हर सफे ते ओदा ना लिखे होए, उन्हें इन्हें सानी लिते होने जिन्हें उन्हें कत्ल कर दिते ने। सागा पहुंचने वाला है सर। सागा तेरा नाम है? असल नाम तो मेरा मौत है, फेस मौत। मैं तेन मौत समझ के इतने बुलाया है। मुंह मुंह की कीमत तेन मैं देंगा कि मौत बनके मेरे दुश्मन की शारक तक तू पहुंचेगा। उसकी शारक काटनी है या उसके टुकड़े टुकड़े करने हैं, इसका फैसला मैं करूंगा। तुम सिर्फ अपने दुश्मन का नाम बताओ। बड़ा ही मजेदार खाना बनाया सुल्ताना, हर बुरकी जो तेरे हथा की खुशबू आ रही है। आ तैयार जे सुल्ताना, पहले मैं रच के रोटी ते खा लें दे, फिर मैं तुम्हें गिरफ्तारी आप दे देंगा। मैंने पता चल गया सुल्ताना कि मुल्क के दुश्मन मिनिस्टर केडी नू गिरफ्तार करने लगी कानून ने पहले मेरी गिरफ्तारी की शर्त रखी है। मैं मोहब्बत बन के ना वेख सुल्ताना, कानून बन के मेरे मेरे हत्था नू हथकड़ी ला। मेरे हत्था नू लगी हुई हथकड़ी तेरी वर्दी दे लगे हुए फुला नू होर मजबूत कर देगी। मौत के डर से शेर दिल ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है। इससे पहले कि जज शेर दिल को सजा सुनाए, मैं अपने हाथों से शेर दिल को मौत की सजा दूंगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अदालत ने शेर दिल दा केस पढ़ भी लिया है, सुन भी लिया है, ते वेख भी लिया है। इस तो पहला कि अदालत अपना फैसला सुनाए, शेर दिल तू अपनी सफाई च कुछ कहना चाहना है ते इजाजत दे। चाचा एक नजर उस तस्वीर नू वेखो जिहड़ी ताड़ी कुर्सी तो भी उच्ची लगी हुई है। यह तस्वीर उस कानूनदान दी है जिन्हें अंग्रेज की ताकत ते हिंदू की मक्कार सियासत का हर दौरे च मुकाबला करके हकदार नूं उहदा हक दवाया। अज मैं ताड़ी अदालत च इंसाफ मंगन आया। जज साहब जुल्म खौफ नूं पैदा करता है, खौफ नफरत नूं जन्म देता है, नफरत बगावत पैदा करती है, ते बगावत मेरे वर्गे शरीफ आदमी नूं मुजरिम बना देती है। लेकिन मैं मुजरिम नहीं जज साहब, मैं मुजरिम नहीं, मैं 18 करोड़ आवाम की आवाज हाँ जिन्हों दबाया तो जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। जज साहब मैं पुकार रहा हूं भैनों की जिन्हां दे दुपट्टे नूं मिनिस्टर दी गड्डी दे चंडे थले दागदार कर दिता जाता है। मैं इंतकाम उन्हां बेटियां दा जिन्हां दे सिरां तों दुपट्टे ला के उन्हां दी इज्जत नूं दागदार कर दिता जाता है। ऐ किहो जिहा कानून जज साहब जिहड़ा बेगुनाह दे खून नालों ज्यादा मिनिस्टर दे फोन दा इहतराम करता है। मैं ऐसे कानून नहीं मानता जज साहब, मैं ऐसे कानून नहीं मानता। मैं तो सिर्फ उस कानून नूं मानना जिहड़ा ए कहिंदा है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयास, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। अग ला दो इन्हां कानून दी सारियां किताबां नूं जिहदे विच सरमायादार नूं बचाने लई कानून च तरमीम कर दित्ती जांदी है पर गरीब आवाम नूं इंसाफ नहीं मिलता। मेरा फैसला सुनाने तो पहला इन्ना जरूर सोच लेना चाचा कि खुदा दे बनाए हुए कानून च खून दा बदला खून है। एक मिनिस्टर दा पुत्र एक शरीफ भैन की इज्जत का खून करता है, जब मैं वह खून कर दिता है तो मैं कोई जुर्म नहीं किया जज साहब, कोई जुर्म नहीं किया। मैनू कातिल समझ के मेरा इंसाफ ना करना जज साहब, ना मेरा इंसाफ ना करना। मैनू एक मुनसिफ समझ के मैनू वो ही सजा सुनाना जेड़ी सजा हसमाना तो इंसाना लिए उतरी है। जज साहब इंसाना लिए उतरी है। शेर दिल ने जालिमानू मौत दे हवाले करन ते समाज दे नासुरानू मुकान तो बाद अपने आप नू कानून दे हवाले कर दिता है ते अदालत भी शेर दिल दे नाल इंसाफ करेगी। जे इस मुल्क दा प्राइम मिनिस्टर अदालत च पेश हो सकता है ते फिर कोई भी वड्डे तो वड्डा शख्स कानून कोलों बच नहीं सकता। वो इसलिए कि इस मुल्क विच इंसाफ जिंदा है ते हमेशा जिंदा रहेगा। असी अज दो फैसले सुनावांगे, वो इसलिए कि दुनिया विच दो कानून ने, एक कानून खुदा दा है ते दूजा कानून इंसान दा बनाया हुआ है। असी इंसान दे बनाए हुए कानून दे मुताबिक शेर दिल नूं उम्र कैद दी सजा सुनाने आ। हाली में एक फैसला सुनाया है, दूसरा नहीं, ते मेरा दूसरा फैसला ये वे
जज दे ओहदे तो इस्तीफा देना है मेरे जमीर का फैसला है। हुण मैं शेर दिल का वकील ते कानूनी अपील बन के शेर दिल का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ांगा। यार शेर दिल, अज जुमेरात है ते अदालत च आईया हुई सारिया भैं लाडो की याद ही तेनों इमाम जामन बनना चाहदिया ने। मेरे को टाइम नहीं। वो मेरे हाथ से नहीं बच सकता। सरकारी कफन पाके शायद तू इत्थे मरन आई है। आज मैं इस कागज से तेरी मौत का हुक्मनामा लिखवा के ले आई हूं। तेरी तकदीर का फैसला पढ़ के सुनावा या अपनी गिरफ्तारी दे वारंट आप पढ़ेगा। बेचा कागज से ना बेजान टुकड़िया ते दस दे मेरी गिरफ्तारी के खिलाफ भी खड़ा लिया। मैं ते मेरे साथी जो चढ़ गए हुकूमत के टोटे टोटे कर दे गए। एक नजर इन्हों वेख, ये तेरे लिए बुरा वक्त बन के तेरे सामने आ खलोते ने। इन कुत्तियां नू ना लेके शेर नू डाल आ गई है। गर्दन से कानून का पट्टा बनाना है। हाली भी वेला है, अपनी गिरफ्तारी दे दे। मैं तेरे ते तेरी मौत के सामने जिंदगी बन के खलोती हूं। मैं हट गई ते तेनू मरण तो कोई नहीं बचा सकेगा। मैनू मौत की धमकी दे रही है। चुप हो जाओ। Ready for this?
गंदगी नु साफ करते। सिना मिनिस्ट्रा ओना जुलम बीज जिन्ना तू वड़ सके। करोड़ों बहनों की अपील और साबिक जस्टिस अहमद खान की दलील के बाद अदालत शेरदिल को बाइज्जत बरी करती है।